नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी योजना के बारे में, जो है निःशुल्क मोबाइल वितरण योजना, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा 1,35,00,000 महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल वितरण करने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों हम बात कर रहे हैं विश्व के सबसे बड़े डिजिटल अवेयरनेस अभियान की, जो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में 1,35,00,000 चिरंजीवी कार्डधारी महिलाओं के लिए निःशुल्क अथवा फ्री मोबाइल वितरण करने की योजना है। हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि 15 नवंबर 2022 से सभी ग्राम पंचायतों में निःशुल्क मोबाइल वितरण योजना शुरू कर दी जाएगी, जिसके लिए महिलाओं को मोबाइल लाने के लिए अपने साथ आधार कार्ड और जन आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा। जन आधार कार्ड और आधार कार्ड जमा कराने के बाद ही आपको मोबाइल मिलेगा। महिलाओं को सरकार के द्वारा 3 कंपनियों के मोबाइल दिए जाएंगे, जिसमें एक सैमसंग है, दूसरा है जियो, तीसरा है नोकिया। इन तीनों के 6 इंच के स्क्रीन टच मोबाइल महिलाओं में बांटे जाएंगे। इसी के साथ 20 GB डेटा हर महीने 3 साल तक महिलाओं को फ्री दिए जाएंगे। डेली का देखा जाए तो लगभग 700 MB तक डाटा फ्री दिया जाएगा। महिलाओं को मोबाइल वितरण के साथ साथ मोबाइल चलाना भी सिखाया जाएगा, क्योंकि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ अभी इसी मोबाइल के द्वारा लिया जा सकेगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक सिर्फ मोबाइल नहीं है, ये एक चलता फिरता ई मित्र होगा। महिलाओं को मोबाइल का इस्तेमाल सिखाने के लिए सरकार के द्वारा 70,000 महिला ट्रेनर तैयार की जा रही हैं, जिन्हें डिजिटल सखी नाम दिया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 4-4 डिजिटल सखी महिलाओं का ग्रुप तैयार किया जाएगा, जो महिलाओं को मोबाइल चलाना सिखाएंगी। जो डिजिटल सखियां हैं वो महिलाओं को सिखाएंगी कि सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें कैसे लेना है, और जो साइबर ठगी आजकल चल रही है उससे उन्हें कैसे बचना है। और अब बात करते हैं इस मोबाइल की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जो प्रत्येक महिला को इसके बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। सरकार ये सुनिश्चित करती है कि महिला के द्वारा ही उसका मोबाइल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अन्य किसी के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने यह तय किया है कि आप इस मोबाइल को न तो बेच सकते हैं और न ही इसका सिम कार्ड चेंज कर सकते हैं। सिम कार्ड चेंज न हो इसके लिए सरकार ने इसके प्राइमरी सिम को बॉक्स को लॉक कर दिया है, जिससे ये खुलेगा नहीं और सिम चेंज होगा नहीं, जिससे आप इसका सिम चेंज कर नहीं सकते। अगर आप सिम चेंज कर दिए तो ये इसकी में जो सुविधाएं आपको मिलती हैं, फ्री डेटा या फ्री कॉलिंग का, वो सब बंद हो जाएगा। ये मात्र एक नॉर्मल मोबाइल हो जाएगा, जिसके अलावा आप इसका सरकारी योजनाओं के तहत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, जिसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।